हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। दरभंगा सोना लूटकांड मामले में 1 किलो 287 ग्राम सोना बरामद, 2 अपराधी गिरफ्तार। दरभंगा से गुड्डू राज की रिपोर्ट। दरभंगा जिले की अब तक की सबसे बड़ी लूटकांड नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार में बीते साल 9 दिसंबर को अलंकार ज्वेलर्स में बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े 5 करोड़ के सोने की लूट कर ली थी, जिसमें दरभंगा पुलिस और STF की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 26 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है तथा 3 किलो सोना, 71 पीस हीरा के साथ ही 30,89,500 रुपये की बरामदगी हो चुकी है। सोना लूटकांड में सर कुछ सफलता मिली, क्या है सफलता? 9 दिसंबर को एक सोना लूट की घटना यहां दरभंगा शहर में घटी थी, जिसमें कुछ अपराध कर्मियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी की दुकान में घुसकर भारी मात्रा में सोना चांदी की लूट की थी। इसमें काफ़ी अपराधियों को पहले पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और काफ़ी मात्रा में लूटा गया सोना और सोने को बेचकर जो कैश इनको प्राप्त हुआ था उसकी बरामदगी हो चुकी है। इसी क्रम में अभी कुछ दिन पहले दिल्ली से 2 मुख्य अपराधी जो इस घटना में शामिल थे, प्रिंस और गोलू पासवान, उसकी गिरफ्तारी STF और दरभंगा पुलिस के द्वारा की गई थी। इनसे पूछताछ के आधार पर जो आगे की जानकारियां मिली उस पर अनुसंधान करते हुए पुलिस ने इन दोनों को रिमांड पर लेकर फिर से पूछताछ की तो गोलू पासवान ने अपने हिस्से का सोना उसकी निशानदेही पर बरामद किया गया है। इसके 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया गया है जिनके यहाँ पर सोना छिपा के रखा गया था। ये कार्रवाई STF और दरभंगा पुलिस ने समस्तीपुर पुलिस के साथ मिलकर की है और अभी तक कुल 26 गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं। कल रात में ये 1,287 ग्राम सोना की बरामदगी हुई है। अभी और इस कांड में जांच और छापामारी की कार्रवाई की जा रही है और उम्मीद है कि जो शेष बचे अपराधी हैं उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी होगी और जो अभी लूट का सोना बचा हुआ उसकी भी बरामदगी की जाएगी। सर, कितने अपराधी अभी शेष बचे हैं इस कांड में? अभी जो घटना स्थल पर अंदर घुसकर जिन्होंने लूटपाट की थी उसमें से सिर्फ 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और अभी 4 से 6 अपराधी इसमें अभी हमारी जानकारी के हिसाब से और हैं जो अभी बाहर हैं। आज जो गिरफ्तार हुए हैं सर, उनका क्या रोल है? ये गोलू पासवान के करीबी हैं, दोस्त हैं, इनको ही इसने सोना रखने के लिए दिया था। इन दोनों ने अपने घर में सोना छिपा के रखा हुआ था और गोलू पासवान की निशानदेही पे इस लूटे गए सोने की बरामदगी हुई। गोलू पासवान और प्रिंस का तो काफ़ी आपराधिक इतिहास रहा है सोना लूट की घटनाओं में, लेकिन जो 2 लोग आज गिरफ्तार हुए हैं इनकी अभी तक संलिप्तता लूट के माल को छिपाने में सामने आई है और इनके बारे में भी और जानकारी एकत्र की जा रही है। CCTV में बचे जो और अपराधी अभी गिरफ्तारी के सर, क्या लगता है जल्द गिरफ्तारी? सबकी पहचान हो चुकी है और टीमें लगी हुई हैं, जल्दी ही इनकी भी गिरफ्तारी होगी।